गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको रेप्टाइल्स बताए थे, ठीक है। रेप्टाइल्स मीन सरीसृप, ठीक है। सरीसृप के बारे में बताया था, जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं वो सारे रेप्टाइल्स में आते हैं, चाहे हम क्रोकोडाइल की बात कर लें चाहे स्नेक की बात कर लें, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सारी चीजें हमने आपको बताई, ठीक है। इसके पहले हमने आपको एम्फीबिया बताया था। एम्फीबिया मीन्स जो जल और स्थल, मीन्स वाटर एंड लैंड, दोनों में जो निवास करते हैं वो सब एम्फीबियंस कहलाते हैं, या हिंदी में हम बोलते हैं उभयचर, ठीक है। इसके भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, इसके भी एग्जांपल बताए थे। जो एम्फीबियंस से रिलेटेड है वो क्या होता है, हमारा जो मेढक होता है, फ्रॉग होता है, वो आता है, ठीक है। हम जितने भी आपको क्लासिफिकेशन बता चुके हैं और जितने भी फाइलम बता चुके हैं उन सब से रिलेटेड जितने भी क्लासिफिकेशन होंगे, ठीक है। जैसे फ्रॉग का क्लासिफिकेशन क्या होता है, मीन्स जो फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सारी चीज़ें जो है वो सब हम जब ये चैप्टर थोड़ा सा एंड हो जाएगा उसके बाद हम पूरी की डिटेल आपको बता देंगे, ठीक है। ओके, टुडे वी विल डिस्कस क्लास एवीज, ठीक है। क्या है क्लास एवीज, ठीक है। एवीज क्या होते हैं, अब एवीज का मीन्स क्या होता है, ठीक है। एवीज क्या होते हैं, एवीज का मीन्स होता है, ये एक लैटिन वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। एवीज का मीन्स होता है बर्ड्स, ठीक है। जितनी भी बर्ड्स आती हैं, जितने भी पक्षी आते हैं वो सब एवीज ग्रुप में रखा गया है, इस क्लास में इसको रखा गया है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ों का अध्ययन किया गया है, पूरा क्लासिफिकेशन बताया गया है, किस तरीके से वो एक्सक्रीशन करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके से उनका जो जीवन है वो, उसकी लाइफ स्पैन किस तरीके से चलती है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है, ठीक है। एवीज का मीन्स क्या होता है, बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स मीन्स पक्षी, जितने भी पक्षी आते हैं वो सब इसके अंतर्गत रखे जाते हैं, ओके। अब इसकी अगर हम लिविंग स्पीसीज की बात करें तो इसकी जो लिविंग स्पीसीज है इसकी, ठीक है, तो लगभग 9000 लिविंग स्पीसीज इसकी क्या, कितनी, 9000, ठीक है, 9000 लिविंग स्पीसीज की बात कर रहे हैं। तो 9 प्रकार की जो स्पीसीज है, 9000 टाइप की जो स्पीसीज है वो ज्ञात है, किसकी, एवीज की, या बर्ड्स में इतनी प्रकार की स्पीसीज ज्ञात है पूरी तरीके से, ठीक है। अगर हम अब इसकी, अगर हम कहें कि इसका हैबिटेट क्या है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अगर जनरल कैरेक्टर्स की हम बात कर लें, जो जनरल कैरेक्टर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण जो होते हैं इसके, कौन कौन से होते हैं, अगर हम हैबिटेट की बात करें तो जितने भी अधिकतर पक्षी आपने देखे भी होंगे तो वो कैसे उड़ते हैं, फ्लाइंग एयर होते हैं, ठीक है, हवा में उड़ते हैं, है ना, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं क्योंकि वो बैठते भी तो है, ठीक है, उड़ते भी हैं और बैठते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, फ्लाइंग एयर, ठीक, मीन्स क्या कह सकते हैं इसको, एयर ही कह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। मीन्स क्या है, हवा में उड़ने वाले भी होते हैं और स्थल पर बैठने वाले भी होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बॉडी शेप की बात कर लें तो इसकी जो बॉडी शेप होती है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसकी जो बॉडी शेप है, किस तरीके से इसकी बॉडी शेप होती है, एक जो बोट होती है, ठीक है, मीन्स नाव, नाव के आकार की इसकी बॉडी पाई जाती है, ठीक है। मीन्स बोट शेप लाइक स्ट्रक्चर इस एवीज ग्रुप में जितने भी बर्ड्स आते हैं वो सारे जो उनके शेप हैं वो किस तरीके के हैं, बोट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, एक बोट लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्या लिखेंगे, बोट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर फीडर्स लिपर्ड्स, ठीक है। मींस क्या होते हैं, जितने भी बर्ड्स आपने देखे होंगे उन सब में फीडर्स पाए जाते हैं, मींस पंख होते हैं, क्योंकि पंख की सहायता से ही वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं या उड़ते हैं, ठीक है। अगर उनके पास फीडर्स होंगे नहीं तो क्या उड़ जाएंगे, नहीं उड़ते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मोस्टली दीज आर फीडर फीडर लिपर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दिस हैव टू पेयर ऑफ पेंटाडक्टाइल लिप्स। इसमें जो अधिकतर जो
बर्ड्स होते हैं उसमें टू पेयर्स ऑफ पेक्टाडक्टाइल लिम्स पाए जाते हैं, मींस जो उनके पैर होते हैं, ठीक है, तो वो कितने होते हैं, दो जोड़ी होते हैं, ठीक है, किसी में दो ही पाए जाते हैं या अधिकतर में क्या होते हैं, दो ही होते हैं, ठीक है। दीज आर टू पेयर्स ऑफ पेंटाडक्टाइल लिम्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा जो है वो इसका एंडोस्केलेटन जो होता है मेनली फॉर्म ऑफ बोन्स, ठीक है। इसका जो एंडोस्केलेटन मींस जिसे क्या बोलते हैं हम, अंतः कंकाल कहते हैं, एंडोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन जो होता है वो मेनली या बेसिकली किससे बना हुआ होता है, बोन्स का बना होता है, ठीक है, मेड अप ऑफ बोन्स, ठीक है। अधिकतर क्या होता है जो एंडोस्केलेटन होता है पक्षियों का या जितने भी बर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ होता है, उससे बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो इसका माउथ है, माउथ की अगर बात करें, ठीक है, तो माउथ इज ऑलवेज सराउंडेड बाय बीक, ठीक है। उसका जो माउथ होता है वो आपने देखा होगा कि वो चोंच के रूप में होता है, ठीक है, मींस उसका जो आगे का एरिया है वो चोंच के रूप में होता है, बीक के रूप में होता है, ठीक है। उसका माउथ पूरी तरीके से शो नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसका माउथ जो है वो क्या होता है, ऑलवेज बाउंडेड या सराउंडेड बाई, ऑलवेज सराउंडेड या बाउंडेड बाई बीक, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, बर्ड शोज ओनली पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या है, बर्ड्स जितने भी एविस क्लास के बर्ड्स हैं, ठीक है, वो उनका जो रेस्पिरेशन होता है, बर्ड रेस्पिरेशन ओनली बाय लंग्स, ठीक है, लंग्स है, एयर सैक, और क्या होते हैं उसके लंग्स में एयर सैक पाए जाते हैं, ठीक है। जो उसका लंग्स होता है, लंग्स में क्या होता है, एयर सैक, मींस ये हम अगर कह रहे हैं तो गलत नहीं होगा कि उसमें क्या है, एक प्रकार की हवा होती है, ठीक है। और उसके अगर हम पंजों की बात करें, जो पंजे उसके होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, मींस खोखले टाइप होते हैं, तभी वो क्या करते हैं, आसमान में बहुत अधिक ऊंचाई तक उड़ने में भी बहुत ही कारगर होते हैं या सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, ब्रेन इसका क्या है, 12 pairs of cranial nerves, ठीक है। मींस क्या है इसका, कि जो इसमें ब्रेन में कितने क्रैनियल नर्व्स या कपालीय तंत्रिका जो होती है वो कितनी होती है, 12 जोड़ी पाई जाती है, ठीक है, 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व्स इसमें पाई जाती है, ठीक है। और जो इसकी इंटरनल ईयर की हम बात करें तो इसमें ईयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं, ठीक है। बाहर से हम अगर चाहें कि ईयर, इसके ईयर या कान को हम देख सकें तो हम कान को नहीं देख सकते, ठीक है, तो इंटरनल ईयर इसमें पाया जाता है, और जो कि क्या होता है, क्लोएका, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्लोएका बोलते हैं, ठीक है, क्लोएका, ठीक है, क्लोएका इसको कहा जाता है, जो इंटरनल ईयर इसका होता है उसको क्या कहते हैं, क्लोएका कहते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, एक क्वाइल शेप में होता है, कैसा होता है, क्वाइल, ठीक है, क्वाइल जैसे होती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा घुमा हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से पूरी स्ट्रक्चर जो पाई जाती है ये क्या होती है, लाइक अ क्वाइल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इसकी जो होती है वो कैसी होती है, एक क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर, क्वाइल शेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो एक्सपिरेटरी सिस्टम होता है, क्या होता है, एक्सपिरेटरी सिस्टम, ठीक, एक्सपिरेटरी सिस्टम जो होता है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। एक्सपिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, मेटानेफ्रिक किडनी होती है, इसमें क्या होती है, जो किडनी होती है वो प्रेजेंट होती है, और जो किडनी होती है वो किस तरीके की होती है, मेटानेफ्रिक, ठीक है। किडनी की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है,
मेटानेफ्रिक स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है, ठीक है, मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। किसमें? जितने भी एवीज ग्रुप में या जितने भी क्लास एवीज में आते हैं पक्षी बर्ड्स, उन सब में पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल। अगर हम सेक्स की बात करें तो वो क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल हम हर क्लास में यही चीज़ बताते चले आ रहे हैं कि यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं? जिसमें मेल एंड फीमेल जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। और बाइसेक्सुअल क्या होते हैं? जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही जगह पर होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। और अलग अलग होते हैं तो वो यूनिसेक्सुअल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल की बात कर ले, इतना पॉइंट हो गया, ठीक है, 10-11 पॉइंट हो गए। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जितने भी बर्ड्स आते हैं, चाहे वो पैरेट हो, ठीक है, पैरेट, ठीक है, स्पैरो, क्रो, ठीक, बैट जो होता है, आउल होता है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब एवीज में आते हैं। मीन्स क्या है? इसको किस में रखा गया है? एवीज ग्रुप में रखा गया है, एवीज क्लास में रखा गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही आपको डिस्कस करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से उसको रिवाइज करते रहिए। मे बी थर्ड मंथली जो एग्जाम है वो अक्टूबर में हो सकते हैं, ठीक है। अभी आपके हर संडे टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट आप देते रहिए और तैयारी करते रहिए एग्जाम की, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम या समस्या हो हमसे डिस्कस करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइए, ताकि हम उसको अच्छे से और बता सकें, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।